हाँ जी, तो भाई साहब ये है अपने टॉप 5 बेस्ट स्ट्रीमिंग डिवाइस 2023 के। देखो गाइस, इंडिया के अंदर ना टीवी स्टिक बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है, और बॉक्स के ऊपर ध्यान मत देना भाई, मैं बहुत रगड़ के यूज कर चुका हूँ इनको, इसलिए फट गया वो बॉक्स। लेकिन ये जो टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट टीवी स्टिक है ना भाई, ये इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है, और इनके कुछ कॉमन फीचर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक स्मार्ट टीवी स्टिक बेसिकली अपनी पुरानी टीवी को या फिर एक नॉर्मल एलईडी को स्मार्ट बना सकती है। अगर आपको अपनी एलईडी के अंदर एंड्रॉइड के फीचर चाहिए या फिर लेटेस्ट एप्लीकेशन यूज करनी है ना, तो ये स्मार्ट टीवी स्टिक उस केस में आपके काम आ सकती है। तो आपके पास यहाँ पे पुरानी टीवी है या फिर एलईडी टीवी है जो स्मार्ट नहीं है और एंड्रॉइड भी नहीं है, और आप सोच रहे हो यार क्यों ना एक नई एलईडी टीवी ले लेते अपन, तो भाई अब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट टीवी स्टिक आपके वही काम कर देगी जो कि एक नई एलईडी करती है। तो एक एक करके इन्हीं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूं, इन सभी स्मार्ट टीवी स्टिक की अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर कर रखी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी, तो उन वीडियो को देख लेना अनबॉक्सिंग के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना डिवाइस है यहाँ पे रियलमी टीवी स्टिक 2 के। इसकी प्राइस अभी सबसे कम चल रही है, जिससे प्राइस रेंज में रियलमी स्टिक 2 के आता है ना, ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर कर देता है। एंड्रॉइड यूआई के साथ ही आता है, 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल इसमें मिलती है, वोल्टेज 835 जैसा अपने को एक बैलेंस लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है। और भाई जिस प्राइस रेंज में इस टाइप की स्टिक आती है ना या फिर एंड्रॉइड बॉक्स आते हैं ना, उसमें ऐसा ही परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर अपने को मिलता है। तो मार्केट के अंदर 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में जो यहाँ पे रियलमी की टीवी आती है ना, उनके अंदर जो भी अपने को फीचर मिलते हैं, जो भी फैसिलिटी मिलती है ना, वो सब अपने को इसके अंदर मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के मामले में अपने को डिसेंट परफॉर्मेंस ही निकाल के दे देगा। OTG भी इसके अंदर काम करती है, तो पेन ड्राइव यूज करना हो या फिर वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज करना हो ना, तो वो भी अपन OTG के थ्रू कर सकते हैं। और वैसे रियलमी टीवी के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो मैं सोचता हूँ काफी लोगों ने वो देख भी रखी होगी यार, अभी 2 दिन पहले तो अपलोड करी थी। तो अगर वापस देखनी हो या फिर जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना इसकी वीडियो, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अब ये जो रियलमी टीवी स्टिक है ना, इसके अंदर भी अपने को 2 बहुत ही मेजर प्रॉब्लम मिलती है। सबसे पहली बात कि ये लैग करता है भाई, इसके अलावा स्टोरेज की भी अपने को इसमें अच्छी खासी प्रॉब्लम मिल जाएगी। मतलब मैंने इसके अंदर ना लगभग 6-7 एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी, और उसके बाद जब मैं इसके अंदर जियो ब्राउजर इंस्टॉल कर रहा था ना, तो मेरी स्पेस ही यहाँ पे फुल हो गई थी। तो स्टोरेज के मामले में ये रियलमी टीवी स्टिक आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। इससे भी तगड़े डिवाइस अपने पास ऑलरेडी है, और 5वें नंबर का जो अपना टीवी स्टिक है ना भाई, वो तो एक तरफा है, मतलब उसके अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को इसी बात पर। अब अपना जो यहाँ पे 2nd नंबर का टीवी स्टिक है ना भाई, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। मतलब स्टार्टिंग में मार्केट में टीवी स्टिक सबसे पहले क्रोमकास्ट की ही यहाँ पे लॉन्च हुई थी, और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गूगल क्रोमकास्ट की। ये दी मोस्ट पॉपुलर टीवी स्टिक है, अमेजोन को भी इसने पीछे छोड़ रखा था एक टाइम के अंदर। लेकिन अभी इसका मार्केट में इतना क्रेज नहीं है जितना कि अदर टीवी स्टिक का क्रेज है, क्योंकि वो अपने को ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर कर देते कम प्राइस में। ये जो गूगल क्रोमकास्ट है, इसके अंदर अपने को गूगल का ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा जो कि नेक्स्ट लेवल अपने आप में, तो तगड़ी परफॉर्मेंस अपने को निकाल के दे देगा। रिमोट भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और ऑब्वियसली ये गूगल का प्रोडक्ट है भाई, तो प्रीमियम तो अपने को हर चीज़ मिलेगी, केबल हो या फिर रिमोट हो। एंड या इसके अंदर अपने को गूगल टीवी का यूजर इंटरफेस मिलता है जो डे बाय डे और इंप्रूव होता जा रहा है। 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी इसके अंदर मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से कम है जिस प्राइस रेंज में ही आता है भाई। अभी फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस यहाँ पे 4,499 रुपये चल रही है, तो 4,500 रुपये में अपने को जो ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है या फिर जो फीचर इसके अंदर अपने को मिल रहे हैं ना, वो इतने तगड़े नहीं है। मतलब इसकी प्राइस है ज़्यादा है, और जो अपने को ये चीज़ें दे रहा है ना, वो कम है। तो अगर आप इसको बाय नहीं भी करते हो ना, तो भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास और अच्छे ऑप्शन है। अब अपने लिस्ट में जो 3rd नंबर का टीवी स्टिक है ना भाई, ये इंडिया के अंदर एक तरफा फेमस है। इसका नाम है अमेजोन फायर टीवी 3rd जनरेशन। वैसे अमेजोन ने ना अपनी फायर टीवी में अच्छी खासी रेंज डिवाइड कर रखी है। फायर टीवी लाइट भी आती है, 3rd जनरेशन भी आती है, 4K भी आती है, 4K मैक्स भी आती है। लेकिन फायर टीवी 3rd जनरेशन जो है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि ये बजट में आ जाती है, और जो परफॉर्मेंस ही अपने को देती है भाई, पूछो ही मत। फायर टीवी 3rd जनरेशन के अंदर ऑब्वियसली अपने को फायर टीवी का यूआई मिलेगा, जो कि डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है। और परफॉर्मेंस के मामले में ना, ये एंड्रॉइड यूआई को भी पीछे छोड़ रहा है भाई, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फायर टीवी 3rd जनरेशन 4K लाइट सबको यूज कर चुका हूँ। इसके अंदर जो अपने को ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी ना, वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। अब गाइस, तुम्हें एक सच बात बताऊं, जितने भी यहाँ पे अदर टीवी स्टिक आते हैं ना, जिसके अंदर अपने को एंड्रॉइड टीवी का यूआई मिलता है, वो ना भाई बहुत लैग होते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मैं बताता हूँ। मान के चलो, अपन ने कोई भी एक एंड्रॉइड बेस्ड टीवी स्टिक को यहाँ पे ऑन करा, तो भाई 5 मिनट वो मिनिमम लेता है रिस्पांस होने में। अगर 5 मिनट से पहले आपने उस टीवी स्टिक को यूज़ करना लग गया ना भाई, तो वो इतना लैगी एक्सपीरियंस अपने को देगा जिसकी हद नहीं है। मतलब आप ना रिमोट फेंक दोगे,
LED भी फोड़ दोगे शायद, मतलब इतना खतरनाक तरीके से वो अटक अटक के चलता है। तो यार ये जो एंड्रॉयड बेस है, जितने भी स्ट्रीमिंग डिवाइस आते हैं, सेटअप बॉक्स आते हैं या फिर एंड्रॉयड बॉक्स आते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्स होने में उनको मिनिमम 5 मिनट का यहाँ पर टाइम चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन ना अभी भी उनकी इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है जितने की अपने को अमेजोन फायर टीवी में मिलती है। और अपना अमेजोन फायर टीवी स्टिक जो है ना भाई, अगर आप इसको ऑन करते हो ना, तो विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 30 सेकंड के बाद आप रगड़ दो फायर टीवी को, फिर भी ये अटकेगी नहीं भाई, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम इसका 30 सेकंड है। फायर टीवी 3rd जनरेशन के अंदर अपने को स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो मोबाइल की स्क्रीन को आप इसमें कास्ट भी कर सकते हो ऑफलाइन। वैसे तो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन अपने को सारे स्ट्रीमिंग डिवाइस में मिलता है, लेकिन वो ऑनलाइन काम करता है। सिर्फ फायर टीवी एक अकेला लौता डिवाइस है जिसमें स्क्रीन कास्ट का जो फीचर होता है ना, वो बिना इंटरनेट के भी काम करता है। वैसे तो इसमें भी अपने को 1 GB की रैम मिलती है, लेकिन फायर ओएस का जो ऑप्टिमाइजेशन इसमें मिल रहा है ना, वो इसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे मोर देन स्मूथ कर देता है। लेकिन भाई फायर टीवी 3rd जनरेशन भी बेस्ट नहीं है। फायर टीवी के सारे डिवाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बिना इंटरनेट के काम ही नहीं करते। मतलब मान के चलो आपने इसके अंदर 3-4 एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, ये गेम डाउनलोड कर लिए, तो जब तक तुम इसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट नहीं करोगे ना भाई, ये चलेगा ही नहीं। मतलब जो एप्लीकेशन तुमने इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है, जो गेम इंस्टॉल कर रखे ना, वो तक यहाँ पे ओपन नहीं होगे बिना इंटरनेट के। लेकिन ये अपने को दूसरे स्टिक में प्रॉब्लम नहीं मिलती। और इसके अलावा फायर टीवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है भाई कि इनकी जो प्राइस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहती है। फायर टीवी 3rd जनरेशन, वैसे तो ये देखो फायर टीवी लाइट है, तुम बॉक्स को देख के यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाना। चलो मैं इसको अलग ही हटा देता हूँ। फायर टीवी 3rd जनरेशन का बॉक्स हमें से घूम गया भाई, इसलिए वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी जगह पर लाइट ले आता है। लेकिन फायर टीवी 3rd जनरेशन का ना ऐसा है भाई कि उसकी प्राइस कभी भी सेम रहती नहीं है। आपको फायर टीवी 3rd जनरेशन यहाँ पे 2800 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अगर सेल चलेगी तो कम प्राइस में मिल जाएगी, और बिना सेल के आपको 4000 के समथिंग मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फायर टीवी 3rd जनरेशन की। अब अपने लिस्ट में जो 4th नंबर का डिवाइस है ना भाई, ये है MI TV स्टिक। और भाई जितनी तेजी से ये वाला इंडिया के अंदर पॉपुलर हुआ था ना, कोई टीवी स्टिक आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली MI का ब्रांड है और MI का नाम जिस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाता है वो तो रातों रात फेमस हो जाता है। लेकिन भाई ये जो MI TV स्टिक है ना, इसको करीबन 1 साल हो चुके हैं मुझे बाय करे हुए, और अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो कचरा रहा है भाई। इतना घटिया डिवाइस मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इसकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया है यार कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं इसको जब चलाता हूँ ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और LED को मुझे बंद ही करना पड़ता है। मतलब मैं कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता। फिर जाके मैंने एंड्रॉयड बॉक्स बाय करा था कि चलो एंड्रॉयड बॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी अपने को। तो MI TV स्टिक का जो, मतलब आप भी सोच रहे होंगे भाई मैं कहाँ चल गया, लेकिन ये जो डिवाइस है ना, जितनी इसकी बेइज्जती मैं कर सकूँ ना, उतनी कम है। मतलब मेरी फीलिंग को समझना तुम, शब्दों में मत जाना, फीलिंग को समझना। ये जो MI TV स्टिक है ना भाई, अटक अटक के चलती है ये। आप भले इसको 10 मिनट बाद इस्तेमाल करो, आधे घंटे बाद इस्तेमाल करो, एक दो एप्लीकेशन चलने के बाद ही इतनी अटक अटक के चलेगी ना, जिसकी हद नहीं है। मतलब इसके अंदर OTT एप्लीकेशन को ओपन करोगे या प्ले स्टोर में से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो उसके बीच में तो कभी कभार ही अटक जाता है, और ओपन होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक इसका रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है भाई, MI TV स्टिक के अंदर अपडेट यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं, लेकिन उन अपडेट का काम क्या है यहाँ पे, वो मुझे पता नहीं चला। शायद आगे जाके ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो मैं तो आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि MI TV स्टिक से सावधान रहिए और सतर्क रहिए, और MI TV स्टिक को ना खरीदिए। अब गाइस अपने लिस्ट में जो यहाँ पे 5वें नंबर का डिवाइस है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अब तक का ये सबसे बेस्ट डिवाइस है। इनफेक्ट फायर टीवी से भी बेस्ट है। ये है अपना मोटोरोला का टीवी मीडिया प्लेयर स्ट्रीमिंग डिवाइस। नाम बड़ा है और काम इससे भी बड़ा है। मोटोरोला का टीवी स्टिक जिस प्राइस रेंज में आता है ना, ये इतनी तगड़ी और हैवी लेवल की स्पेसिफिकेशन अपने को देता है कि अब तक कोई भी और डिवाइस अपने को दे ही नहीं सकता। देखो ये जो मोटोरोला का स्ट्रीमिंग डिवाइस है ना, ये हैवी यूजर्स बना हुआ है, और अगर आपको यहाँ पे एक स्टेबल लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए ना टीवी स्टिक से, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अटकने जैसा इसके अंदर कोई काम नहीं है, और हैंग जैसी प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी है। इसके अंदर अपने को 2 GB की रैम मिलती है, DDR4 की 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, Dolby Audio को ये सपोर्ट करता है, 4K सपोर्ट करता है। और ये जो टीवी स्टिक है ना, इसके अंदर अपने को हाई पावर का यहाँ पे G31 GPU भी मिलता है, तो गेमिंग भी ऑब्वियसली इसके अंदर आप कर सकते हो। Ashpalta 9 जैसे जो हाई ग्राफिक वाले गेम होते हैं ना, वो भी आराम से रेंडर करके चला देगा। इसके अलावा इसके अंदर अपने को फ्लेक्सिबल लेवल की बातचीत मिलती है, 833 जैसा एक पावरफुल प्रोसेसर, और ये सेम प्रोसेसर अपने को MI बॉक्स में मिलता है। तो ये जो टीवी स्टिक है ना मोटोरोला का, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। देखो मैंने तो इसको पर्सनली ट्राई नहीं करा है, और झूठ बोलने का भी कोई मतलब नहीं है यार। तो तुम अगर यहाँ पे मोटोरोला की पूरी वीडियो देखना चाहते हो ना कि कैसा ये डिवाइस है, कैसी परफॉर्मेंस देगा, और क्या क्या काम इसमें अपन कर सकते हैं, और अदर डिवाइस से ये क्यों बेटर है, क्योंकि तारीफ मैं बहुत कर रहा हूँ इसकी, तो तुम भी यहाँ पे क्यूरियस होंगे ना कि क्या है इसके अंदर ऐसा, तो कमेंट कर देना, मैं अरेंज करके इसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो तुम्हारे लिए तो बनाता हूँ। अब देखो भाई कंक्लूजिंग का तो ऐसा सीन है कि मैंने यहाँ पर रैंक
रैंकिंग दी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली अपना फायर टीवी थर्ड जनरेशन आता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, अगर ये आपको 2800 रुपये में या फिर 3000 में मिल जाता है, इससे बेस्ट डिवाइस आपको मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढते रह जाओगे भाई, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इससे बेस्ट डिवाइस नहीं मिलेगा अगर ये आपको 3000 में मिल जाता है। वैसे वो मुश्किल मिलता है भाई, लेकिन सेल जब भी आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। सेकंड नंबर पे अपना यहाँ पे रियलमी टीवी स्टिक है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इसने अच्छी खासी मुझे डिलीवर कर दी थी, OTG कनेक्शन भी सपोर्ट करता है। और हाँ, OTG से मुझे याद आया भाई कि MI टीवी स्टिक यहाँ पे OTG को सपोर्ट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। और मोटोरोला का तो अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उसको यूज करानी है, और जो क्रोमकास्ट है ना उसमें भी शायद OTG केबल कनेक्ट होती नहीं है, और वो तो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। और ओबियसली थर्ड नंबर की रैंकिंग पे अपना मोटो टीवी स्टिक आता है यहाँ पे। तो ये जो अपनी वीडियो थी ना भाई, ये टॉप 5 बेस्ट टीवी स्टिक की थी, जो 2023 में अपने को बाय करनी चाहिए। कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट टीवी स्टिक कौन सी लगी। और आप सोच रहे होंगे भाई, चलो इसको भी हटा देता हूँ, कि ये दोनों मैंने क्यों रख रखे, तो भाई ये अपना हेको मिनी का एंड्रॉइड बॉक्स है, और ये अपना A95XF4 है, एंड्रॉइड बॉक्स है। ये तो दिखाने के लिए रख रखा ना भाई, क्योंकि मेरे पास ना गूगल का क्रोमकास्ट भी नहीं है और मोटोरोला का डिवाइस नहीं है, और 5 डब्बे इकट्ठा करने थे ना मुझे, तो दिखाने के लिए वो रख रखा है मैंने। तुम तो समझते हो यार, समझदार हो तुम तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।